Hello students, welcome to our SRGY Dart Nursing YouTube channel. Today I am here with electroconvulsive therapy and its nursing management. Let us see what is meant by electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy is a procedure in which electric currents are passed through the brain intentionally triggering a brief seizure. So electric convulsive therapy ka matlab ye hota hai, yahan par टेम्पररी सीजर्स को ट्रिगर करते हैं करंट को ब्रेन के थ्रू पास करके. सो मतलब ये इंटेंशनली हम सीजर्स को लाते हैं. सीजर का आपको पता है कभी भी पैरालाइज होने से या एपिलेप्सी में जो इंसान होता है दैट इज़ नथिंग बट सीजर. यहाँ पर हम सीजर्स को वो भी एकदम वेरी कुछ सेकंड्स के लिए सीजर्स को लाते हैं इंटेंशनली. कैसे लाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जो करंट है उसको ब्रेन के थ्रू पास करना है. सो ये ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करके सीजर्स को क्रिएट करना नथिंग बट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. हिस्ट्री: इन 1785 द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सीजर इंडक्शन वॉज डॉक्यूमेंटेड इन द लंडन मेडिकल जर्नल. पहला टाइम लंदन मेडिकल जर्नल में 1785 में थेरेप्यूटिक सीजर के बारे में डॉक्यूमेंट किया गया है. कन्वल्सिव थेरेपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1934 बाई हंगेरियन न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट लेडिस्लास जे मेडुना. और कन्वल्सिव थेरेपी पहली बार 1934 में हंगेरियन न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट लेडिस्लास जे मेंडुना ये पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया है 1934. एंड इटालियन प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइकियाट्री यूगो कैरलेटी एंड हिज कॉलीग ल्यूसियो बिनी इन 1937 एक्सपेरिमेंटेड ईसीटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए पर्सन. सो इन 1937 में इटालियन न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट यूगो सेरलेट्टी एंड लूसियो बिनी पहली बार इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं. थ्रू द 1940s एंड 1950s द यूज ऑफ ई सी टी बिकम अ वाइड स्प्रेड. और 1940s और 1950s से क्या हुआ है, ई सी टी बहुत कॉमनली यूज करने लगे हैं साइकियाट्रिक डिजॉर्डर्स को ट्रीट करने के लिए. एंड वी कैन सी डेफिनेशन. Electroconvulsive therapy, formerly known as electroshock, is a psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in anesthetized patients for the therapeutic effect. So यहाँ पर electric इसको electroshock करके भी हम बोल सकते हैं. और ये एक therapy है, psychiatric treatment है. यहाँ पर एनेस्थेसिया देकर सीजर्स को इलेक्ट्रिकली इंड्यूस करना है दैट फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. मतलब एक पेशेंट को ट्रीट थेरेप्यूटिक मतलब वो उसके पेशेंट के बेनिफिट के लिए यहाँ पर बाहर से इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में इंड्यूस करके सीजर्स को इंड्यूस करते हैं दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकन्वर्स. यहाँ पर आर्टिफिशियल सीजर्स को लाना है. कैसे लाएंगे? पेशेंट के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट पास करनी है, पास करना है. उसके लिए हमको क्या करना है, पेशेंट को अनस्थराइज्ड करना है. उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थोड़ी कुछ देर के लिए दैट इज वेरी फ्यू सेकेंड्स के लिए. फॉर द पेशेंट थेरेप्यूटिक बेनिफिट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. यहाँ मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करेंट, कन्वल्सिव कन्वल्सिव मतलब सीजर्स को इंड्यूस करने के लिए, थेरेपी इज द ट्रीटमेंट. सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक शॉक देके कन्वल्सन्स को इंड्यूस करने का ट्रीटमेंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. इंडिकेशंस: इंडिकेशंस आर मेजर सीवियर डिप्रेशन, सीवियर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, सीवियर साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैनिया. इन सम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आल्सो वी कैन गिव इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. वी कैन सी हियर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईसीटी रिमेन्स ए
एलएसयू, मतलब अभी तक कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चला है, बट एक साइकियाट्रिस्ट के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इट विल अफेक्ट द कॉर्टिकोलामाइन पाथवे बिटवीन द डायनेन्सेफेलॉन एंड लिम्बिक सिस्टम, ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। यहाँ पर कैटेकोलामाइन पाथवे को अफेक्ट करता है। कैटेकोलामाइन आर नथिंग बट एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, एड्रिन, दीज आर द सम ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इनका जो इनको अफेक्ट करती है दैट इज नथिंग बट ईसीटी। एंड टेक्निक ईसीटी हम दो टेक्निक्स के थ्रू देते हैं, वन इज द डायरेक्ट ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, ईसीटी इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ मस्कुलर रिलैक्सेशन, इज नथिंग बट डायरेक्ट ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी में एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन करके ईसीटी देते हैं, दैट इज मॉडिफाइड ईसीटी। मतलब डायरेक्ट ईसीटी में विदाउट एनेस्थीसिया, मॉडिफाइड ईसीटी में विद एनेस्थीसिया। इलेक्ट्रोड्स, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ईसीटी का जो प्रोसीजर हम करते हैं इलेक्ट्रोड्स है, जैसे हम ईसीजी मशीन में जो इलेक्ट्रोड्स करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हम चेस्ट पे लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं, पैर पे लगाते हैं, वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स कहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर कहाँ पर लगाते हैं, ब्रेन के दो साइड में लगाते हैं, हेड के दोनों तरफ से लगाते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रोड्स जो लगाने का तरीका है उसमें भी टाइप्स हैं, तो दैट इज यूनिलैटरल थेरेपी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द हेड, यहाँ यूनिलैटरल में वन साइड ऑफ द हेड इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, दैट इज नॉन डोमिनेंट साइड, राइट राइट साइड ऑफ द हेड इन द राइट हैंडेड इंडिविजुअल एंड वाइस वर्सा। एंड बायलैटरल में क्या होता है, दिस इज द बायलैटरल ईसीटी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईसीटी मोस्ट कॉमनली यूज। इन बायलैटरल ईसीटी इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड वन इंच अबो द मिड पॉइंट ऑफ एन इमेजनरी लाइन कनेक्टिंग द आउटर कैंसर ऑफ द आई एंड द ट्रैगस ऑफ द नर्व, तो यहाँ ईयर। तो बायलेटरल में क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर लगाते हैं जहाँ पर आउटर कैंसर ऑफ द ईयर से लेके उसे जस्ट 1 इंच अबो इलेक्ट्रोड लगाते हैं बोथ साइड, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दैट इज बायलेटरल ईसीटी। दिस इज बायलेटरल ईसीटी इज मोस्ट कॉमन ईसीटी। तो यहाँ पर यूनिलैटरल में इधर वन साइड ऑफ द हेड लगाते हैं या टॉप ऑफ द हेड भी लगाते हैं। बायलेटरल में क्या रहता है, बोथ साइड में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कितना करंट अप्लाई करना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 70 to 120 वोल्ट, दैट इज पर 0.7 to 1.5 सेकेंड तक देते हैं। इतने सेकंड्स में ये 70 to 120 वोल्ट एनर्जी 10 वोल्ट एनर्जी के चेंज होते हैं थ्रू ईसीटी मशीन। यहाँ पर सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रैनुलर सीजर्स, दैट इज स्टार्टिंग फेज का 10 to 15 सेकेंड्स एंड द क्लोनिक फेज लास्टिंग पर 30 to 60 सेकेंड। ऑलमोस्ट इन 1 सेकेंड द प्रोसीजर इलेक्ट्रिक प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड। एंड हम फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, कितने टाइम हम कितने बार हम ईसीटी दे सकते हैं, 1 वीक में 2 to 3 ईसीटी हम दे सकते हैं। अब हो ऑल ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द पेशेंट हम कितने बार दे सकते हैं, मतलब मिनिमम 12 ट्रीटमेंट, हम अप टू 12 ट्रीटमेंट 12 ईसीटी सेशंस हम दे सकते हैं। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, वो जितना जल्दी ठीक होता है उतने में अकॉर्डिंग देना पड़ता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स हम जब अप्लाई करते हैं बहुत केयरफुली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसको जल्दी से मार्क चेंज करना चाहिए। एंड जो वहाँ पर भी जो एरिया का फॉल्स है वहाँ पर अच्छे से हाइजीन करना चाहिए। एंड फॉर्मली अप्लाई करके उसको रोटेट, स्लाइटली रोटेट करना चाहिए। एंड द पर्सन जो अप्लाई करता है उनका हाथ एकदम सूखा होना चाहिए, मतलब उसके हाथ में कोई पानी नहीं का नमी नहीं होना चाहिए। एंड द पर्सन शुड नॉट कॉन्टैक्ट विथ मेटालिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड, बिकॉज वो टच करने से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। एंड प्रोसीजर ऑफ ईसीटी, हम प्रोसीजर ऑफ ईसीटी देखेंगे,
यहाँ पर ईसीसी का जो भी यूनिट रहता है उसमें थ्री कंटीजियस के रूम्स रहते हैं, वन इज प्रिपरेशन रूम, ट्रीटमेंट रूम एंड रिकवरी रूम। एंड हमको इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए मैंने यहाँ पर बहुत कम दिखाया, बट आपको एक ओटी में जो भी माइनर ओटी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो सब इक्विपमेंट्स हमको रेडी रखना है अलॉन्ग विथ ईसीसी मशीन। ओके, तो मोस्टली क्या रहता है मतलब ईसीसी मशीन रहता है, ईसीजी मशीन, बॉयल्स मशीन, लैरिंजोस्कोप, सक्शन ऑपरेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, डिफिब्रिलेटर, ईईजी मॉनिटर एंड बैकअप ईसीजी मशीन एंड बेड विथ साइड रेलिंग, सक्शन ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रोड जेली, बाइट ब्लॉक, हजार्टेड एरियस, मास्क, एडिशन केबल्स एंड इलेक्ट्रोड हमको रेडी रखना है। अब यहाँ देखते हैं ड्रग्स यूज इन ईसीजी, ईसीजी में कौन सा ड्रग यूज करते हैं। एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम, एनेस्थेसिया एजेंट्स लाइक प्रोपोफोल 0.75 टू 2.5 मिलीग्राम पर के जी, थियोपेप्टोन 2 to 5 mg पर के जी, और प्रोपोफोल बिकॉज इट कीप्स फ्रॉम गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट, थियो इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव एंड नजल रिलैक्सेंट सक्सिनल कोलिन 0.5 टू 1.5 mg पर किलोग्राम देते हैं बिकॉज ये शॉर्ट एक्टिंग है। बिफोर गिविंग यू शुड चेक द पोटेशियम लेवल, सक्सिनल कोलिन देने से पहले हमको पोटेशियम लेवल चेक करनी रहती है। और इमरजेंसी ड्रग्स लाइक डाइजीफॉर्म, नाइट्रोग्लिसरिन, एंटी कोलिनिक एजेंट्स, एंटी एरिथमेटिक, एंटी एनाफिलैक्टिक एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, आईवी फ्लूइड्स एक्सेट्रा हमको रेडी रखना है। स्वैप्स, टॉर्निकेट्स, ऑटोक्लेव सिरिंजेस एंड नीडल्स भी हमको रेडी करना रहता है। ईसी की टीम में कौन कौन रहते हैं आप लोग बताइए, एक्सपेक्ट करिए कौन कौन रह सकता है। एक साइकियाट्रिस्ट कंपलसरी है, एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, ईसी की नर्स होना चाहिए, ट्रेंड अटेंडेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एब्सोल्यूट तो मतलब इंडिकेशन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसमें नहीं देना चाहिए। एंड रिसेंटली मायोकार्डियल इंफार्क्शन अटैक हुआ होगा उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। इनके पर्सन का सिवियर हाइपरटेंशन है वहाँ पर हमें ईसीजी एलो नहीं करना चाहिए। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी नहीं देना चाहिए। रेटिनल डिटैचमेंट होगा तो भी ईसीजी हमको नहीं देना चाहिए, इस कंडीशन में हमको ईसीजी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी है, ईसीजी कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन ऑल प्रेगनेंसी विदाउट अनटॉवर्ड एफर्ट, बट फीटल मॉनिटरिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द ईसीजी सेशन इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जेरियाट्रिक में भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बस उनको कोई भी जैसे हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, रेटिनल डिटैचमेंट ऐसी भी है, ये सब नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन में भी ईसीजी कुड बी सेफ एंड इफेक्टिव इन प्री प्यूबर्टल डिप्रेशन, मैनिया एंड सेलेक्टेड केसेस ऑफ साइकोसिस, बट इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट ऑफ साइकियाट्रिक डिजॉर्डर्स इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। साइड इफेक्ट तो एमनेसिया रहता है, वही शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी देर के लिए, और साइड इफेक्ट का जनरल एनेस्थीसिया कुछ देर के लिए रहता है, कंफ्यूजिंग रहता है। नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर इन ईसीजी क्या होता है, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल इमोशनल सपोर्ट हम फैमिली को और पेशेंट को देना चाहिए। प्री प्लानिंग एंड असेसमेंट शुड बी डन, प्रिपेयरिंग एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोसीजर, उनका वाइटल साइंस, साइकोलॉजिकल, इमोशनल ये सब हमको देखना चाहिए। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर एंड एवेल्यूशन शुड बी प्रोवाइडिंग एजुकेशनल इमोशनल सपोर्ट, यहाँ पर हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए, पेशेंट का जो भी कंसर्न्स है, फीलिंग्स है, उसके लिए हम रेस्पॉन्स देना चाहिए, हम प्रोसीजर के बारे में एडुकेट करना चाहिए। एंड प्री ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर, कंप्लीट द प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट, पेशेंट्स आइडेंटिटी चेकड एंड पेशेंट वियर्स एंड आइडेंटिटी ब्रेसलेट, एंश्योर सेफ कीपिंग ऑफ द पेशेंट्स वैल्यूबल्स, नथिंग बाई ओरल फॉर मिनिमम 4 hours बिफोर द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल एस्पिरेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एंड पेशेंट हेयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई टू अलो इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट, हेयर पिंस, ब्रेसलेट्स, बॉडी पियर्सिंग शुड बी रिमूव टू अवॉइड बर्न्स, क्योंकि हेयर पिन वगैरह मेटल्स रहता है, वो रहने से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। पेशेंट शुड बी एनकरेज टू पास यूरिन बिफोर द ट्रीटमेंट टू अवॉइड इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एंड ड्यूरिंग ईसीटी नर्सिंग केयर ये रहता है, ट्रांसफर द पेशेंट योर ट्रॉली फ्रॉम द वेटिंग रूम टू द ईसीटी रूम ऑन ए वेल पैडेड बेड, अप्लाई ईसीजी इलेक्ट्रोलाइट्स, बीपी कफ, पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर,
give a short acting anesthetic agent and the succinylcholine, prepare EEG electrolytes. Prepare the scalp and apply electrolytes bilateral or unilateral. Support the shoulder and arms of the patient. Restrain the thigh with the help of the sheet. Hyperextension of the head with support to the chin. मतलब हेड को थोड़ा सा ऊपर करके रखना चाहिए. एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. अप्लाई जेली टू द इलेक्ट्रोलाइट्स. मेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कन्वल्शंस. यहाँ पर कन्वल्शंस आते हैं. दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. द प्रेजेंस ऑफ इनिशियल टोनिक स्टेज विच लास्ट अप टू 10 to 15 seconds, फॉलोड बाई अ क्लोनिक स्टेज विच इज लास्ट फॉर 25 to 30 seconds. डू सक्शन इमीडिएटली. रिस्टोर द रेस्पिरेशन बाई गिविंग ऑक्सीजन इफ नेसेसरी. पोस्ट ईसीटी केयर. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द वाइटल पैरामीटर्स. मतलब वाइटल्स हमको चेक करना चाहिए, और टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर. एंड प्लेस द पेशेंट ऑन साइड लाइंग पोजिशन. क्लीन द सेक्रेशंस. ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम रिकवरी रूम. अलाउ द पेशेंट टू स्लीप फॉर 30 minutes to 1 hour. रीअश्योर द क्लाइंट एंड री ओरियंट टू द वार्ड. अलाउ द पेशेंट टू हैव ए टी आर एनी ड्रिंक. रिकॉर्ड द प्रोसीजर. Thank you for being awesome.